हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट टू। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगंडा। ओके स्टूडेंट्स, जनमत तथा प्रचार, बीए पार्ट टू, जनमत तथा प्रचार आज का टॉपिक है हमारा। पब्लिक ओपिनियन प्रपोगंड। ओके, प्रचार की प्रकृति तथा सामाजिक नियंत्रण में इसके महत्व को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रचार की विधि को पूर्णतया जनमत से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। कभी कभी तो प्रचार और जनमत की प्रकृति एक दूसरे की इतनी समान प्रतीत होती है कि इन दोनों विधियों के बीच स्पष्ट भेद करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हम प्रचार तथा जनमत के पारस्परिक संबंध और अंतर पर भी विचार करें, जिससे एक दूसरे की तुलना में प्रचार और जनमत की प्रकृति को समझा जा सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रचार तथा जनमत में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेगंडा एंड पब्लिक ओपिनियन। प्रचार तथा जनमत की प्रक्रियाएं अपनी कार्यविधि और उद्देश्य में से एक दूसरे के अत्यधिक समान हैं। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि जनमत का तात्पर्य प्रमुख रूप से किसी भी ऐसे निर्णय से है जो सार्वजनिक रूप से लिया जाता है। जब कभी भी विदेश नीति, युद्ध, करों की दर का निर्धारण, ऋण नीति अथवा शिक्षा पद्धति जैसे विषयों पर जनता के निर्णय में परिवर्तन होता है, तो एक नए शक्तिशाली जनमत का भी निर्माण हो जाता है। परंतु प्रश्न ये है कि स्वयं जनमत का निर्माण किस आधार पर होता है। यही प्रश्न हमें जनमत द्वारा प्रचार के घनिष्ठ संबंध का बोध कराता है। प्रचार द्वारा अनेक संकेतों, मनोवैज्ञानिक विधियों की सहायता से सबसे पहले व्यक्तियों के मतों, विचारों और मूल्यों को बदला जाता है, और फिर लोगों की जो बाह्य क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को एक निर्धारित दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रचार जनमत निर्माण के सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। प्रचार और जनमत इसलिए भी परस्पर संबंधित है कि उनका विकास लगभग समान दशाओं में होता है। यदि किसी स्थिति का कोई दूसरा विकल्प ना हो तो सभी लोगों को उसे स्वीकार करना और उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसके विपरीत जब व्यक्तियों की आवश्यकताएं बदलती हैं और वस्तुओं तथा विचारों के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते हैं, तो प्रचार और जनमत सम्मिलित रूप से व्यक्तियों के सामने नए विकल्प प्रस्तुत करता है, उनकी औचित्य को सिद्ध करता है तथा उन्हें व्यवहार में लाने की प्रेरणा देता है। ऐसी स्थिति में प्रचार अथवा जनमत में से किसी के भी महत्व को दूसरे की तुलना में कम या अधिक नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि प्रचार की जनमत को प्रभावपूर्ण बनाने का आधार है। प्रचार जो होता है वही जनमत को प्रभावपूर्ण बनाने का आधार है।
जन्म तिथि व्यक्तियों के विचारों कार्यों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो प्रचार मनोवैज्ञानिक आधार पर ऐसे परिवर्तन का औचित्य सिद्ध करता है। यही कारण है कि व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने में प्रचार तथा जनमत समान रूप से बाध्यतामूलक बन जाते हैं। इसी आधार पर अपोल का कथन है कि प्रचार एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी क्षेत्र में जनमत को प्रभावित करने वाला एक संगठित प्रयास है। ओके, प्रजा तंत्र के वर्तमान युग में जनमत तथा प्रचार निरंतर एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। आज जैसे जैसे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, राज्य और सरकार को प्रत्येक कदम पर नए जनमत की आवश्यकता होती है। आज के युग में जनमत के अभाव में किसी भी योजना या नीति को प्रभावपूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि इसी कार्य के लिए नियोजित प्रचार की सहायता ली जाती है। प्रचार जितना अधिक संगठित होगा, व्यापक और संतुलित होता है, जनमत निर्माण के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। इस प्रकार यह कहना उचित प्रतीत होता है कि जनमत और प्रचार एक दूसरे के सक्रिय सहयोग से ही सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ बना पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रचार तथा जनमत में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोपेगेंडा एंड पब्लिक ओपिनियन। ओके, प्रचार तथा जनमत यद्यपि घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, लेकिन अनेक आधारों पर इनके बीच स्पष्ट भेद भी किया जा सकता है। प्रचार तथा जनमत में अंतर के लिए कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे सार्वजनिक महत्व, एक पक्षीय जागरूकता, नैतिक मूल्यों का समावेश, सांस्कृतिक विशेषताएं एंड संस्थात्मक। ओके, तो नंबर वन पॉइंट है हमारा सार्वजनिक महत्व। जनमत साधारणतया सार्वजनिक महत्व के विषय से संबंधित होता है। इसके फलस्वरूप जनमत निर्माण में स्वाभाविक रूप से समूह कल्याण का समावेश हो जाता है। अस्थायी रूप से जनमत यदि समूह कल्याण के विरुद्ध भी बन जाए तो इसमें शीघ्र ही परिवर्तन हो जाता है। दूसरी ओर प्रचार में समूह कल्याण की अपेक्षा किसी व्यक्ति अथवा छोटे से समूह का विशेष स्वार्थ छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिउटर का कथन है कि जनमत एक ऐसा निर्णय है जो विवाद और विचार विमर्श के द्वारा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है जनमत साधारणतया विवेकपूर्ण होता है और प्रचार जो होता है इस अर्थ में एक पक्षीय होता है। नेक्स्ट छह पॉइंट आपका सामूहिक शक्ति। जनमत एक सामूहिक शक्ति है। एक बार जब जनमत का निर्माण हो जाता है तब उस क्षेत्र में सभी व्यक्ति को जनमत का आदर करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जागरूकता। जनमत का प्रभाव एक ऐसे समूह में सबसे अधिक होता है जो अत्यधिक जागरूक और विचारशील होते हैं। अकॉर्डिंग टू डूब के अनुसार, डूब का तो यहाँ तक विचार है कि प्रचार व्यक्तियों के मस्तिष्क को बंद रखने का तरीका है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों का समावेश। जनमत प्रचार से इस अर्थ से भी भिन्न है कि जनमत में एक समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं तथा नैतिक मूल्यों का समावेश रहता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक साधन।
जन्म नियंत्रण का एक औपचारिक साधन आधुनिक युग में जन्म नियंत्रण का एक औपचारिक साधन बनता जा रहा है। इसका कारण यह है कि जनमत की शक्ति भी संस्थात्मक बनने लगी है, ओके? और जनमत की अवहेलना करने पर राज्य की ओर से नियमित दंड देना भी उचित समझा जाने लगा है। इसके विपरीत प्रचार सदैव अनौपचारिक रहता है, क्योंकि इसको न मानने पर व्यक्ति को किसी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। जनमत तथा प्रचार के विकास की प्रकृति एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। किसी भी समूह से जनमत का निर्माण योजनाबद्ध रूप से एकाएक नहीं होता है, बल्कि जनमत बहुत धीरे धीरे विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंत में यह ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है कि प्रत्येक स्थिति में जनमत एक साथ है, इट्स मीन एंड है, जबकि प्रचार केवल एक साधन मीन्स है। यदि हो सकता है ये कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए जनमत भी एक साधन बन जाए, लेकिन इस बात की संभावना नहीं की जा सकती कि प्रचार को साध्य मानकर जनमत का निर्माण साधन के रूप में किया जा सकता हो। इस प्रकार तुलनात्मक आधार पर प्रचार की अपेक्षा जनमत की प्रक्रिया अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण होती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पब्लिक ओपिनियन जनमत। हमारा चैप्टर होगा नेक्स्ट, न्यू चैप्टर है जिसका नाम है जनमत। थैंक यू।